यहाँ पे हमें इससे डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। ये हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से, क्योंकि हमें इसे डिवाइड करना है। हमें जिससे डिवाइड करना होता है वो हमारा डिविडेंड होता है, हमें जिससे डिवाइड करना होता है यानी एक्स प्लस पाई से, वो डिवाइज़र होता है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, हम डिवाइज़र को ज़ीरो पुट कर देते हैं, यानी यहाँ एक्स प्लस पाई को मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस पाई। अगला स्टेप होता है हम डिविडेंड, यानी इसको मान लेता हूँ मैं पी एक्स, तो पी एक्स कुछ ऐसा आएगा मेरा। इसमें मैं एक्स की वैल्यू डालता हूँ जो ऊपर निकाली थी हमने माइनस पाई, तो पी ऑफ माइनस पाई कुछ ऐसा आ जाएगा। एक्स की जगह माइनस पाई तो माइनस पाई का क्यूब, ऐसे ही एक्स की जगह माइनस पाई तो माइनस पाई का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस पाई। नेगेटिव नंबर का क्यूब हो रहा है तो नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस ऑफ पाई क्यूब आ गया। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो माइनस साइन हट जाएगा, ये पाई स्क्वायर आ जाएगा। 3 × -π होगा -3π, तो मेरा रिमाइंडर आ गया यहाँ पे पी ऑफ माइनस पाई, यानी ये।